रात पार की जा सकेंगी। इससे नोएडा से दिल्ली जाने वालों को बड़ी सहूलियत मिल सकेगी। सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप आज नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से उस परिकल्पना को साकार करते हुए 2821 करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक साथ नोएडा वासियों को प्राप्त हो रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1369 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसमें सेक्टर 94 में कन्वेंशन एंड हैबिटेट सेंटर, सेक्टर 151 में गोल्फ कोर्स, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। नोएडा में युवाओं के रोजगार के लिए एक स्टार्टअप हब बनाया जाएगा। पूरे नोएडा को LED से लैस किया जाएगा। कौशल हासिल करने के बाद अप्रेंटिस करने वाले युवाओं को 2500 रुपए महीने की मदद भी की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके तैयार होने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई इन सभी अथॉरिटी के साथ मिलकर के प्रदेश सरकार ने जेवर में करने का कार्य प्रारंभ किया है। जेवर का ये एयरपोर्ट यहाँ पे लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार भी लेकर के आने वाला है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला भी साबित होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास की सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि संवाद से सभी समस्याओं का हल संभव है। संवाद बनाकर इन समस्याओं का समाधान करना, जो नियम के अनुरूप होगा उसको करने में कोई संकोच किसी को नहीं होना चाहिए और बिना उसको लटकाए बिना भटकाए हम उसको समस्या को समाधान के अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई करें। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उत्तर प्रदेश में आयुक्त सिस्टम लागू किया गया है। इसके लिए नोएडा में सेक्टर 108 में पुलिस कमिश्नर का ऑफिस तैयार किया गया है। रविवार को मुख्यमंत्री ने इस भवन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों के मुख्यमंत्री नोएडा आने से कतराते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी नोएडा यात्राओं के जरिए ये साबित कर दिया है कि सत्ता का स्थायित्व सरकार की दूरगामी सोच निर्धारित करती है। 3 साल के अपने कार्यकाल में कई रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वो एक बार में भाजपा सरकार के यूपी में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे। उनकी सरकार के 3 साल इसी 18 मार्च को पूरे होंगे। यूपी में भाजपा की सरकारों में विभिन्न समय पर 4 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भाजपा के मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे शख्स हैं जो लगातार 3 साल पूरे करने जा रहे हैं। अलबत्ता कल्याण सिंह का 2 बार का कार्यकाल जोड़ लें तो जरूर 3 साल से ज़्यादा का है, लेकिन उनका कोई कार्यकाल एक बार में 3 साल तक नहीं रहा। असल में भाजपा ने पहली बार 1991 में सरकार बनाई थी, उसे लगभग पूर्ण बहुमत ही मिला था, लेकिन 2017 में भाजपा को पूर्ण बहुमत ही नहीं इससे बढ़कर प्रचंड बहुमत मिला। अगर 6 दिसंबर की घटना के कारण कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त नहीं हुई होती तो स्वाभाविक तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करती। इसके बाद भाजपा की जो सरकार बनी वो दूसरे दलों के समर्थन व गठबंधन से बनी। इस कार्यकाल में सियासत व दलबदल के कई रंग देखने को मिले। निर्भया के 4 दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है। निर्भया गैंग रेप मर्डर केस के 4 दोषियों में से एक पवन की दया याचिका का राष्ट्रपति के सामने लंबित होने की वजह से पटियाला हाउस कोर्ट में 4 की फांसी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। पूर्व आदेश के मुताबिक 4 को आज सुबह 6 बजे फांसी होनी थी। बलात्कार और हत्या मामले के 4 दोषियों की फांसी एक बार फिर से टल गई है। मामले के 4 दोषियों में से एक की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। इस आधार पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगा दी है। बहुत जल्द हमें विद इन 2 or 3 days में एक फ्रेश डेट हमें फिर मिलेगी और वो डेट भी फाइनल होगी। लेकिन आज मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कोर्ट में कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 week का टाइम प्रिस्क्राइब किया था उस टाइम का मीनिंग क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था उसका मीनिंग क्या है। अदालत ने 17 फरवरी को 4 दोषियों की मौत का फरमान जारी किया था, जिसमें मुकेश, पवन, विनय कुमार शर्मा और अक्षय को फांसी देने की तारीख 3 मार्च सुबह 6 बजे तय की गई थी। सोमवार को कोर्ट के सामने 2 याचिकाएं आई थीं। एक याचिका में अक्षय ने कहा था कि उसने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष नई दया याचिका दायर की है जो अभी लंबित है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दी। बाद में अदालत ने पवन की याचिका पर डेथ वारंट पर स्टे लगा दिया। फैसले से निराश निर्भया की मां ने कहा है कि मामले में दोषी न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय प्रणाली पर भरोसा है। फैसले आपने ही दिए हुए फैसले में अमल करने में उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों बार बार फांसी पोस्टपोन हो रही है, तो कहीं ना कहीं
जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो मुजरिम चाहते हैं वही होता है। उन्होंने हमारी सिस्टम का नाकामी दिखा रहा है। एपी सिंह ने जिस तरह से गुमराह किया जज को और कोर्ट को, सिस्टम को, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरी बार टला है लेकिन चौथी बार नहीं टलेगा। इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दिए गए पवन कुमार गुप्ता की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एनवी रमन की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने पवन की सुधारात्मक याचिका पर विचार किया था। इसी पीठ ने फांसी पर रोक लगाने की पवन की अर्जी भी खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि फांसी पर रोक की अर्जी खारिज की जाती है, सुधारात्मक याचिका खारिज की जाती है। पवन कुमार ने सुधारात्मक याचिका में मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने की अपील की थी। उसने मृत्यु होने तक दोषी को फांसी पर लटकाने के लिए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की भी गुहार की थी। सुधारात्मक याचिका खारिज होने के बाद पवन ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की। पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिल गई है। अब गृह मंत्रालय इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजेगा और वो इस पर विचार करेंगे तथा फैसला लेंगे। इस मामले के चारों दोषियों में से मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति अस्वीकार कर चुके हैं। अब केवल पवन की याचिका पर फैसला होना है। मुकेश और विनय ने अपनी याचिकाओं को खारिज करने के राष्ट्रपति के फैसले को उच्चतम न्यायालय में अलग अलग चुनौती दी थी, जिन्हें शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। और तलब है कि 16-17 दिसंबर 2012 की रात फिजियोथेरेपी की 23 वर्षीय छात्रा से दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया गया था और लगभग 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता, राम सिंह और एक किशोर आरोपी थे। आरोपी राम सिंह ने मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद से तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। वहीं किशोर को 3 साल सुधार गृह में रखने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया था। मुकेश, विनय, अक्षय और पवन गुप्ता को फांसी की सजा मिली थी। राजधानी दिल्ली में जो स्थिति है वो अभी शांतिपूर्ण बनी हुई है। पिछले सप्ताह उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसक घटनाओं के बाद जीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में टाली गई CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार कल से फिर शुरू हो गईं। परीक्षा में छात्रों के 98% से अधिक उपस्थिति को दर्ज किया गया। इस बीच हिंसा थमने के बाद पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने का काम जारी है। दिल्ली सरकार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में जान गंवाने वाले IB के कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि देने का भी ऐलान किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पर वाहन चल रहे हैं और दुकानें भी खुल रही हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के किसी भी इलाके से हिंसा की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग, शिवबिहार, भजनपुरा, यमुना विहार और मुस्तफाबाद में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। पुलिस लोगों से शांति की अपील कर रही है। शांतिपूर्ण है बिल्कुल, और आप पूरे क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में दुकानें खुली हुई हैं, जनजीवन सामान्य है, पूर्णतया शांति है, एकदम पीसफुल। नॉर्मलसी हैज बीन रिस्टोर्ड इन दिस एरिया, एवरीबॉडी इज डूइंग हिज जॉब। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बीच छात्र सोमवार को बोर्ड परीक्षाओं में भी बैठे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में विद्यार्थियों ने अपनी बोर्ड परीक्षाएं दी। पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। बहुत अच्छा इनका टर्नआउट रहा है। सभी बच्चे जो हैं एग्जामिनेशन सेंटर में आए हैं, पेपर दिए हैं। करीब 98.2% आज की अटेंडेंस रही है। तो ये स्थिति घोषित कर संकेत करती है कि अब जो नॉर्थ ईस्ट में स्थितियाँ हैं वो सामान्य हो चुके हैं। 12वीं कक्षा के छात्रों का भौतिक विज्ञान का और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का संगीत का पेपर था। खजूरी खास में बोर्ड की परीक्षा देने आए स्टूडेंट्स का वेलकम पुलिस ने गुलाब का फूल देकर के स्वागत किया और पेपर के लिए उन्हें ऑल द बेस्ट भी कहा। तैयारी सही है, बट ये जो कैंसिल का प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से हम तैयारी सही से कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमें डर रहता है कि कैंसिल ना हो जाए पेपर। उसकी वजह से हमारे माइंड सेट पे ये रहता है कि हाँ पेपर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ज्यादा पढ़ नहीं पाते। तैयारी तो वही है जो पूरी साल की, जो मेन तैयारी 4 दिन की होती है, क्योंकि ये है सर तैयारी उन्हीं दिनों की होती है जो पेपर में छुट्टी मिलती है, मेन तैयारी वही होती है। इंग्लिश का भी पेपर हमारा कैंसिल हुआ था, तो
फिर फिजिक्स की तैयारी भी ढंग से हो नहीं पाई, पर फिर भी पूरी कोशिश तो करी है। सीबीएसई ने कहा कि उन छात्रों के लिए फिर से परीक्षा लेने को तैयार है जो हिंसा की वजह से डेट शीट के मुताबिक इम्तिहान नहीं दे पाए। उधर हिंसा थमने के बाद पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने का काम जारी है। दिल्ली सरकार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में जान गंवाने वाले आईबी के कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया। वहीं खजूरी खास में हुई हिंसा के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवान का घर भीड़ ने जला दिया था, उन्हें बीएसएफ ने 10 लाख रुपए की मदद सौंपी है। बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में मोहम्मद अनीस को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। बीएसएफ उनके घर का पुनर्निर्माण भी कराएगी। पूरे बीएसएफ डीजी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब सारे हेल्प कर रहे हैं मेरी बहुत, और मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मैं बीएसएफ में अप्लाई हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बड़े बड़े अधिकारी सब आ रहे हैं। दंगों में कुछ स्कूल भी जल गए थे, उन्हें भी बनाने का काम जारी है ताकि जल्दी से जल्दी कक्षाएं शुरू की जा सकें और छात्रों का नुकसान न हो। ऑलमोस्ट हम क्लासेस एज पर शेड्यूल 7th of March को, मतलब 8th of March डेट इज संडे तक हम कंप्लीट कर देंगे क्लासेस का डन, और 9th of March के लिए हम क्लासरूम्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे कि हम उसमें अपने बच्चों को स्टडीज करवा सकें। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुलिस को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं उपचार के लिए उठाए गए कदमों की स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को अदालत के 26 फरवरी के आदेश के अनुपालन में उसके द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट भी दायर करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश में पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल तय की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें दिल्ली हिंसा को कथित तौर पर भड़काने वाले नफरती भाषणों के लिए नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ दंगा पीड़ितों की ओर से दायर याचिका पर 4 मई को सुनवाई करने को सहमत हुई। सामान्य होते हालात के बीच दिल्ली पुलिस अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपट रही है। रविवार शाम दिल्ली के कई इलाकों में कल अफवाहों का दौर चला जिससे अफरा तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस ने इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की, साथ ही लोगों से अपने क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी बात कही है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही और गलत खबरें फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 49,568 पुलिस कांस्टेबलों की हुई भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। लखनऊ में कल अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस भर्ती बोर्ड के महानिदेशक राजकुमार विश्वकर्मा ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी। अपर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शामली जिले में नए पुलिस लाइन का उद्घाटन किया था और अब यह पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष पूरी करने पर बोर्ड को बधाई दी है। महानिदेशक राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अब तक 1,35,000 से ज़्यादा सीधी भर्ती से और 1,657 मृतक आश्रितों से भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है जिसका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो गृह मंत्री भी है, उन्होंने एक एक चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का उन्होंने एक करके कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं और जो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं जी। आज उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल सिविल पुलिस और पीएसी का 2018B डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट जारी किया जा रहा है जिसमें बोर्ड द्वारा 49,568 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। इनमें 31,360 सिविल पुलिस के और 18,208 पीएसी के हैं। इसके पूर्व में हम लोगों ने 41,000 का जब रिजल्ट डिक्लेयर किया था तो पीएसी के उसमें 18,000 कर्मचारी थे। इस प्रकार पीएसी में 18+18 36,000 कर्मचारी हो जाएंगे और पीएसी पूर्णतया हाउसफुल रहेगी। सिविल पुलिस में भी अभी तक हम लोगों ने टोटल 88,298 इस रिजल्ट को मिला के भर्ती कर चुके हैं। इस प्रकार अगर आप टेबल में देखें तो पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभी तक हम लोगों ने 1,37,253 लोगों की भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। कानपुर में मेट्रो कार्य गति पकड़ता जा रहा है। आईआईटी से राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के बीच प्रायोरिटी कॉरिडोर का पहला पियर कैप यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने पूजन करके रखा। लखनऊ मेट्रो परियोजना की अपेक्षा कानपुर में यह उपलब्धि करीब 3 माह पहले हासिल कर ली है जो असाधारण और एक कीर्तिमान है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा कानपुर मेट्रो परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के सिविल निर्माण का कार्य का शिलान्यास 15 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था।
लखनऊ मेट्रो को भारत का फास्टेस्ट मेट्रो बताते हुए डायरेक्टर वर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर संजय मिश्रा ने बताया कि नवंबर 21 तक आईआईटी से लेकर मोती झील तक कार्य कर लेना है, जिस पर प्लान के अनुसार कार्य चल रहा है। वहीं कानपुर में मेट्रो कार्य के दौरान शहर में जाम की स्थिति से बचने के लिए यातायात के नियमों से चलने और सहयोग करने की अपील की। नवंबर 21 तक हम लोग को ऑपरेशन चालू करना है आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील तक, तो उसमें बिल्कुल कंप्लीट प्लानिंग के हिसाब से काम चल रहा है। कानपुर अगर आपने गौर किया हो कि रेलवे लाइन के किनारे जाम जो है वो शुरू से ही लगता रहा है, तब मेरा कानपुर आना जाना पहले भी रहा है मेट्रो के, तो रेलवे लाइन के पास तो समस्या पहले से रही है। अब खाली मेट्रो का काम वहाँ चल रहा है, इसलिए मेट्रो के नाम कई सारे पुराने जो चीज़ें हैं वो आ जा रही हैं। हम लोगों ने हर क्रॉसिंग के पास कैमरे लगाए जिसकी लाइव मॉनिटरिंग होती है कि हम कैमरे देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और हमारे मार्शल भी तैनात हैं। पुलिस को साथ हम लोगों ने 4 बाइक दे रखी हैं आईजी पुलिस से बात के बाद, जो कंटिन्यूसली देखते रहते हैं कहीं जाम ना लगे। तो मीडिया का इसमें ये सहयोग चाहिए कि लोगों को जागरूक करें कि उल्टा ना है, क्योंकि कानपुर और लखनऊ में बेसिक अंतर थोड़ा डिसिप्लिन का है जो आप लोग भी जानते होंगे, तो यहाँ पर तो उसमें मीडिया का सहयोग चाहिए। आप लोगों को जागरूक करें उल्टा ना है, कि उल्टा लगेगा कि आप समझिए अगर रोड की चौड़ाई से 15 मीटर है और 8 मीटर हमने बैरिकेड कर दिया है, तो बाकी बचे हुए रास्ते से लोगों को डिसिप्लिन में चलना है, तभी होगा। तो इसमें सभी का सहयोग सही होगा। कुपोषित बच्चों की पहचान और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सोनभद्र जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस से लैस किया गया है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर इस तरह के आधुनिक उपकरणों को लगने वाला सोनभद्र प्रदेश का पहला जिला भी बन गया है। अब इन केंद्रों पर न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और उनके उठने बैठने के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, बल्कि कुपोषण की जांच को लेकर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस बच्चों के उम्र के हिसाब से उनके ग्रोथ का भी आकलन करेगी, जिससे कुपोषण की सही स्थिति का आसानी से पता लग सकेगा। सोनभद्र जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि नीति आयोग की सूची में बच्चे कुपोषित न रहें, जिसके लिए समय समय पर जांच जरूरी है, और इसी की जरूरत को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला खनिज निधि से सभी आधुनिक उपकरणों के साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस की खरीदारी कर आंगनवाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया गया है, जिससे कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ी जा सके। स्टूडियोमीटर का जिम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की मशीनें हमारे पास आ गई हैं, जिसे आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए परियोजना पर भेजा जा रहा है। अब हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां बेहतर तरीके से बच्चों में नाटापन और कुपोषण की सटीक पहचान कर सकेंगे। अभी तक प्रदेश के 75 जनपद में से सोनभद्र पहला जनपद है जिसमें सारे केंद्रों के लिए 4 उपकरण क्रय किए गए हैं। आशा उम्मीद की वो किरण है जो निराशा को भगाती है। जी हाँ, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगी और ANM कार्यकर्ता आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हैं। आर्थिक तौर पर वो सशक्त हुई हैं, साथ ही समाज में अपनी खुद की एक पहचान बनाई है। महिलाओं बच्चों के संपूर्ण संतुलित विकास में अहम रोल होता है, और इन जमीनी कार्यकर्ताओं का तो बहुत अहम रोल है। तभी तो केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन राशि के साथ साथ इनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बच्चों की मुस्कान हो या माताओं को आराम, दिन रात इसके लिए कार्यरत रहती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। बच्चों के टीकाकरण से लेकर माताओं की देखरेख तक का पूरा जिम्मा इन आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगी और ANM के कंधों पर ही रहता है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सेवा भाव से अपने काम में लगी रहती हैं ये महिलाएं, तभी तो आशा और ANM कार्यकर्ताओं को उनके श्रम का सम्मान देते हुए केंद्र सरकार द्वारा इनको मिलने वाले मानदेय को भी 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रूपए प्रति माह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए किया गया। तो वहीं आंगनवाड़ी सहायक कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 1,500 से बढ़ाकर 2,250 रूपए प्रति माह कर दिया गया। यही नहीं, इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा इन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी इन्हें मुफ्त में सरकार की ओर से दी जा रही है। सितंबर 2019 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि देश भर में 13,77,000 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं, और ये केंद्र लगभग 836 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साल 2014 की अपेक्षा तो अभी बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसमें हम जितनी मेहनत करें उतना हमें मिल जाता है।
चाहें तो मतलब पहले से तो काफ़ी अच्छा चला हम लोगों का। बच्चों की मतलब फीस वगैरह कोचिंग का हम खुद अपने ऊपर निर्भर करते हैं। बच्चे मेरे CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे 99% भी लाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम में तो अपने दिन प्रति बदलाव मैं देखती जा रही हूँ, जो कि मुझे काम करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्र सरकार नए कार्यक्रमों के तहत सभी राज्यों में आशा दीदी से संबंधित जानकारियों का डेटाबेस तैयार करने, आशा कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी के लिए प्रणाली शुरू करने और इनकी शिकायतों के निपटान की पूरी व्यवस्था को कायम करने पर भी काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए इन्हें सशक्त करना जरूरी है, इसीलिए सरकार इनके योगदान को पहचान देते हुए इन्हें देती है राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। बदायूं में जिला अधिकारी कुमार प्रशांत और बदायूं के SSP अशोक कुमार त्रिपाठी की संयुक्त टीम ने जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां बंद कैदियों से उनका हालचाल जाना और जेल में बंद कैदियों की बैरिकों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने जेल में कैदियों की समस्याओं के जल्द निदान करने के भी आदेश दिए। उन्होंने जिला कारागार में बंद महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला अधिकारी बदायूं ने अनोखी पहल शुरुआत करते हुए जिला कारागार में बंद महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत की, ताकि वो अपनी सजा पूरी होने के बाद समाज में मुख्य धारा से जोड़कर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। हाँ जी, आज ये औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें हम बैरकवार टीम बना के सारे बैरकों में की विस्तार से हमने जांच करवाई। पिछली बार से इस बार कंडीशन ठीक मिला। पिछली बार जिस प्रकार आपत्तिजनक वस्तुएं जैसी मिली थी, इस बार नहीं मिली, किंतु थोड़ी साफ सफाई में कमी पाई गई, उसके लिए निर्देशित कर दिया गया। 4 जो CCTV कैमरे थे वो नहीं चलते हुए पाए गए, इसके बारे में जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा अवगत करवाया गया कि ये ख़राब हो गए हैं और इसको संबंधित कंपनी जो है जिसने लगाया है उसको सही करने के लिए भेज दिया गया है, वो शीघ्र ही चलने लगेंगे। एक डिमांड आई यहाँ से जो हमारे कैदी हैं उनके द्वारा कि यहाँ साइकेट्रिस्ट वगैरह नहीं है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि बरेली से यहाँ पे एक कोई रेगुलर साइकेट्रिस्ट आए जो कि इनको देखें, जो मनोरोगी हैं उनकी समुचित यहाँ पे इलाज की व्यवस्था हो जाए। और यहाँ पे करीब 65 महिला बंदी हैं, जिसमें 37 सिद्धदोष और 28 विचाराधीन हैं, तो इनके संबंध में हमने ये किया है कि DC NRLM को आज बुलाया है, यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे और महिलाओं को यहाँ पे महिलाओं का स्वयं सहायता समूह भी बनाएंगे, जिससे कि वो एक वोकेशनल उनको ट्रेनिंग भी मिल सके और उनकी आय का जरिया भी बन सके और साथ ही साथ यहाँ जेल से कुछ प्रोडक्ट भी बन सके। गाय और भैंस के गोबर को कुछ लोग बेकार समझ जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जिससे न सिर्फ गंदगी होती है बल्कि बीमारियाँ भी पनपती हैं। बेकार समझे जाने वाला गोबर आपको मालामाल बना सकता है, जिससे बहुत कम मेहनत से मात्र 1 घंटे में 2 क्विंटल गोबर के उपले तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल मशीन से तैयार उपलों की ईंट भट्टों, मोक्षधाम, बॉयलर और होली के लिए बहुत अधिक मांग आ रही है। वहीं उपले सप्लाई करने वाले बताते हैं कि मुरादाबाद शहर में बहुत दूध डेयरी वाले गोबर को जहां तहां फेंकने के साथ नदी और नालों में फेंक दिया करते हैं। वो उनसे बिना कोई पैसा लिए ये गोबर लेते हैं और मशीन से उपले बनाकर अच्छी खासी कमाई करते हैं। अगर बेरोजगार युवा भी ऐसा काम करें तो उनको तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही शहर में स्वच्छता भी बनी रहेगी। गोबर जो है बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है, लेकिन लोग समझते हैं कि गाय और या भैंस है तो केवल दूध तक ही सीमित है, और गोबर जो दूध से ज़्यादा हम अन्य चीज़ों से जैसे गौमूत्र और गोबर से हम आय कर सकते हैं। तो गोबर का हम लोग जो यहाँ उपयोग कर रहे हैं वो हम गाय के गोबर से एक काव वुड कास्ट लकड़ी बनाने का वो कर रहे हैं। यहाँ पे 1 घंटे के अंदर 2 क्विंटल का हमारा इसका प्रोडक्शन है, और इसको उत्पादन करने के बाद में जहाँ भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है उसकी जगह पे हम इसको दे रहे हैं। अभी होलिका दहन के लिए बहुत सारे लोग हमारे पास में संपर्क कर रहे हैं, तो होली जलाने के लिए लोग इसको ले जा रहे हैं। एक जगह पे होली में 2 से 2.5 क्विंटल तक की इसकी डिमांड आ रही है, तो अभी हम लोगों ने ये नया अभी शुरुआत किया है। और ये तो क्लीन सिटी ग्रीन सिटी है, एक समझिए आप कि अगर कोई भी युवक इस तरीके का एक प्रोजेक्ट लगा ले और ऐसी मशीन, ये मशीन जो है वो 50,000 से लेकर के और 1.25 लाख रुपए तक की कॉस्ट करती है। अलग अलग तरीके की मशीन है, अलग अलग कैपेसिटी की मशीन है। ये काउबुडन स्टिक वाली जो मशीन है, इसका उपयोग हम जो है जैसा पकौड़ी बनाने वाले हैं उनमें कर सकते हैं,
वो काफ़ी संख्या में जो है लकड़ी का उपयोग करते हैं। होलिका दहन में जो काफ़ी संख्या में लकड़ी जलाई जाती है उसमें जो है इसके गाय से बने हुए हैं, एक तो प्रदूषण भी कम होता है और धुआं कम होता है। रोजगार की दृष्टि से सर ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है क्योंकि ये हमें 30 पैसे किलो गोबर में। मथुरा बरसाना में नारियां विश्व प्रसिद्ध लट्ठामार रंगीली होली में काम आने वाली ढालों को बनाने का जिम्मा उठा रही हैं। राधा के गांव की बहुएं, वैसे तो राधा कृष्ण की अलौकिक लट्ठामार होली नारी शक्ति की अपने आप में एक मिसाल हैं, लेकिन नारी किसी से भी कम नहीं, इस बात का संदेश बरसाना की नारी ढाल बनाकर दे रही हैं। यहां मंदिर परिसर में रसिया गायन चल रहे हैं। बरसाना की लड्डू होली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। होली पर उमड़ने वाली राधा रानी के भक्तों की भीड़ और मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए चौकस इंतजाम किए गए हैं। 3 जोन की सुरक्षा की कमान ASP ADM के हाथों में सौंपी गई है। 9 सेक्टरों की कमान SDM और डिप्टी SP संभालेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने फोर्स को ब्रीफ करके सतर्क और सजग रहने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, होली को लेकर व्यापक जो हमारे द्वारा प्रबंध किए गए हैं, कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलने हैं, चाहे वो बरसाना है, नंदगांव हो, जन्मस्थान है, या फिर वृंदावन में होली खेली जाने और होरंगा जो उसके बाद होने हैं। इसी में अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री का भी आगमन हो सकता है, उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। जहाँ जहाँ पर लैंडिंग है, जहाँ पर सभा है और जहाँ पर उनके द्वारा बैठक होनी है, उन सभी को अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था। होली के मद्देनजर अतिरिक्त बस लगाई गई हैं, संचालन वाली बस 25-30 बस चलती हैं, पर यात्रियों को कोई असुविधा ना हो उनके लिए 102 बस लगाई गई हैं जो कंटिन्यूस चलेंगी सुबह से लेकर रात तक, साथ ही यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया से दूरी बनाने के दिए संकेत। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर PM ने कहा इस रविवार को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने पर कर रहा हूं विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सकारात्मक सोच का नतीजा है नोएडा के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दिल्ली से है अधिक। प्रदेश के हर जनपद में सरकार बना रही है युवा हब। निर्भया के चारों दोषियों की फांसी एक बार फिर टली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगाई। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 49,568 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती का रिजल्ट जारी किया। मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड को दी बधाई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।